हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर नहीं हूँ हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ओके। देन जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग ने उस इंसान को पहचान लिया था और विंग उस इंसान को टॉर्चर कर रहा था। देन उसके बाद हमारे वांग जी वहाँ पे आया था पुलिस स्टेशन में और विंग को वहाँ से लेके गया था। एंड विंग ने उस इंसान को जो ना ऐसे उसे मारने की कोशिश की थी और वांग जी को लास्ट में उसने बताया था कि ये वही इंसान है जिसने विंग के साथ वो सब किया था करके। जब वांग जी को वो पता चला ना, वो पूरा गुस्सा हो चुका था और विंग तभी बेहोश हो चुका था। देन हम वहाँ से सीन शिफ्ट करके देख लिया था कि विंग अब घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग जस्ट रो रहा था हमारे वांग जी को हक करते हुए। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं हम स्टोरी को, जहाँ पे वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है कि मैं सबसे बदला लूँगा, सबसे। जहाँ पे विंग भी नींद में कह रहा था कि हाँ, अगर वो मुझसे टकराए हैं तो मैं उन लोगों को मार डालूंगा, बस मार डालूंगा, यही विंग सोच रहा था। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिंगी एंड आयुआन दोनों अंदर आते, मॉम डैड ऐसे वो कहते हुए अंदर आ चुके थे। जहाँ पे हमारा वांग जी जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है, अंदर कहते यस बेबी क्या हुआ है, वो कहते डैड भूख लगी है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करते कहते हाँ हाँ ठीक है ज़रूर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो था ना वो विंग को देखता है और वांग जी जस्ट ऑनलाइन से कुछ ऑर्डर कर देता है सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए, वो ऑर्डर कर देता है और बच्चों से कहता है कि जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ करके। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ। तभी आयुआन आता कहता मम्मा मम्मा ऐसे कहते हैं, जो ना विंग को उठाने की कोशिश करता है, बट विंग जो था ना वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स। वांग जी कहते हैं कि विंग थका हुआ है बेबी, वो थका हुआ है, जब वो जागेगा ना मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। तो आयुआन कहता है कि हाँ ठीक है, बट इतना ज़्यादा तो वो कभी थकते नहीं थे, जब भी मैं आवाज़ देता था वो जल्दी से मेरी तरफ देखते थे, क्या इस बार बहुत ज़्यादा थके हुए हैं वो? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ बेबी बहुत ज़्यादा ही, इसलिए। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो आयुन कहते हैं कि ठीक है मैं ज़्यादा उनको परेशान नहीं करूँगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो जिंगी और आयुन वहाँ से चल जाते हैं, जिसके बाद वांग जी बस विंग के बालों को सहलाता है और कहते हैं विंग बेबी विंग माय ओमेगा माय ओमेगा माय क्यूट ओमेगा। जहाँ पे विंग कहता आह इतने ज़्यादा स्वीट बातें मत करो मेरे साथ। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ क्या मेरी ओमेगा को इतनी स्वीट बातें पसंद नहीं है, तो विंग कहता है पसंद तो है बट अभी नहीं, ऐसे कहते। विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करते हुए कहता है कि क्या तुम खाना नहीं बना सकते थे? हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ विंग, विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते तुम सुन रहे थे तो तुमने आँखें क्यों नहीं खोली? तो विंग कहता है कि मैं अपने बच्चे को दिखाना नहीं चाहता था मेरी रोती हुई सी आँखें। तो वांग जी कहते ओ रियली? तो विंग कहता है कि हाँ मैं नहीं दिखाना चाहता अपने बच्चे को मेरी रोंदू सी आँखें, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जब भी वो मेरी आंखों में आंसू देखता है वो खुद रोने लगता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को रुलाना नहीं चाहता था, इसलिए। तो वांग जी बस एक स्माइल करते कहते ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो चले उठकर फ्रेश होकर आते हैं। फ्रेश होने के बाद जो है ना वांग जी जस्ट विंग के फोरहेड पे किस करते कहते अब कैसा महसूस कर रहे हो? विंग कहता है मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग कहता है कि तुमने उस इंसान के साथ क्या किया फिर? तो वांग जी कहता है तुमने जैसा कहा था उसे जेल पहुँचाने के लिए और कभी बाहर ना निकले, तुमने ये कहा था ना? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है देन मैंने वो कर लिया, बट विंग कहता है वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, मुझे पता है उनकी गैंग उसकी मदद करेगी, आई नो। तो वांग जी कहता है कि एक लंबी सी सांस लो विंग, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास है विंग, ऐसे कहता है। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद वो लोग किचन में आते हैं और किचन में विंग ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी को ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कह दिया था। जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट बना रहा था तभी आयुआन एंड जिंगी आते हैं और कहते विंग मम्मा, ऐसे कहते जो ना वो विंग के पैरों को दोनों के दोनों हक करते। विंग कहते क्या हुआ है तुम दोनों को? तो कहते कि ओ मम्मा मैं आपको बुलाने के लिए आया था बट आप तो आराम कर रहे थे, आप ठीक हो ना मम्मा? तो विंग बस स्माइल करते कहते यस बेबी मैं ठीक हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जाओ जगह पर जाकर बैठ जाओ, ठीक है अपने डैडा के पास जाकर बैठो। जहाँ पे वो दोनों कहते कि ठीक है, ऐसे कहते हैं वो जा चुके थे। जिसके बाद हमारा विंग अच्छे से इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो ब्रेकफास्ट पर लगाता है, तभी विंग का फ़ोन बजता है, इसके कारण विंग जस्ट फ़ोन को उठाता है। क्या हुआ है मेंगाओ? अरे मेंगाओ बोल रही है मोशांशु, ठीक है मोशांशु क्या हुआ है? मोशांशु कहते हैं विंग तुम्हारे ऑर्डर्स आ चुके। विंग कहते ऑर्डर्स आ चुके? तो मोशांशु कहता है कि हाँ, एंड तुम जिनके साथ काम करने वाले थे उनके साथ भी, और तुमने उन्होंने बताया कि तुम बहुत सारी चीज़ों को लेके गए हो करके, जैसे प्रोडक्ट्स के लिए धागा सुई सब कुछ सारी चीज़ें। तो विंग कहता है कि हाँ। तो वो कहते कि हाँ, तो तुम्हें मैं जो है ना फोटोज़ भेज रहा हूँ उस तरह की तुम्हें डिज़ाइन बनानी है, ठीक है 150 कार्ड चाहिए, उसके ऊपर तुम्हें वो डिज़ाइन बनानी है अपने हाथों से। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। तो विंग कहता है प्राइस क्या है? तो बोलते $7 रखा है उन लोगों ने। तो विंग कहता है कि ठीक है देन मैं कर दूंगा, ओके। तो मोशांशु कहता है कि ठीक है, एंड देन मैं और ऑर्डर के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ तुम सीधा जो ना लैंड मेंशन में ही इन ऑर्डर्स को लेके आ जाना, ठीक है। तो मोशांशु कहता है कि ठीक है विंग ज़रूर, ओके।
देन फोन कट कर दिया जाता है। जिसके बाद विंग उन लोगों को आकर ज्वाइन करता है। वांग जी कहते हैं किसको खेलता है, विंग कहता है मोशांशु का। तो वांग जी कहता है ओ अच्छा क्या बात हो रही थी, तो विंग कहता है कुछ नहीं मेरे ऑर्डर्स के बारे में। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद यहाँ से वो सीधा निकलते हैं लैंड मेंशन की ओर। लैंड मेंशन में पहुँचने के बाद विंग ने जो बच्चों के लिए स्कूल के बारे में डिसाइड किया था ना, जो वांग जी और लानसन दोनों साथ में गए थे एक स्कूल में जहाँ पे बच्चों को किंडरगार्टन्स वाला जो फील नहीं रहता है कि किंडरगार्टन्स वहाँ का, तो विंग और वांग जी दोनों मिलके जो थे ना उस दोनों बच्चों को लेके वहाँ पे चले जाते हैं। एंड देन किंडरगार्टन में उन दोनों का एडमिशन करवा दिया जाता है। किंडरगार्टन में एडमिशन होने के बाद वांग जी और विंग जो थे दोनों थे ना वो जस बाहर आते हैं। एंड विंग जस वांग जी को देखते हुए कहता है कि हाँ अब बच्चे यहाँ पे रहेंगे, तुम भी आराम से काम कर सकते हो, मैं भी करूँगा ठीक है। तो वांग जी कहता है कि हाँ, बट उससे पहले विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है कि पहले मुझे आपसे एक स्वीट एंड लवली किस चाहिए। विंग कहता है क्या बोल रहे हो तुम, तो वांग जी बस कहता है कि हाँ माय ओमेगा मुझे ज़रूरत है इसकी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस जो ना विंग को कार में लेके आता है, और कार में लाने के बाद फ्रंट सीट पे वो दोनों बैठते हैं। तभी वांग जी विंग के नेक में अपने हाथ को डालता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वो दोनों एक दूसरे को एक डीपली पैशनेट भरा सा किस करते हैं, और किस करने के बाद विंग ब्लश करते हुए कहता है कि तुम कहीं पे भी स्टार्ट मत हो जाया करो, ऐसे कहता है। देन विंग ऐसे कहता है ना, तभी साइड में हम एक लेडी को देखते हैं जहाँ पे वो लेडी इन दोनों को देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे वो बोल रही थी। तभी एक लेडी क्या हुआ, तो वो कहते कि वो देखो ना इतना छोटा लड़का एक इतने बड़े उम्र वाले लड़के बड़े उम्र वाले ओमेगा को कैसे किस कर रहा है, हाँ इतना बड़ा ओमेगा है और इसे कैसे किस कर सकता है भला, हाँ और कितना टीनेजर लग रहा है वो बॉय, हाँ ऐसे वो कह रहे थे। जहाँ पे विंग के कान में ये वॉइस जाती है, जहाँ पे वांग जी बस कार चलाने पे ध्यान दे रहा, वांग जी का ध्यान नहीं था, वांग जी ने किस किया ना, तो विंग ब्लश कर रहा था, वांग जी खुद भी ब्लश कर रहा था, इसलिए वो कार पे चलाने के ध्यान दे रहा था। बट विंग ने ये सब सुना क्योंकि विंग को पता था ऑब्वियसली वांग जी और विंग के बीच में जो एज गैप है, जिसके कारण जो है ना विंग को ये सब सुनना पड़ेगा, उसे पता है। और वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी आराम से अपनी कार को चला रहा था और विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है, देन वो चलने लगता है। और विंग बाहर विंडो से देख रहा था, तभी विंग का ध्यान जाता है कि एक लड़का सामान लेकर नीचे गिर गया है करके। तो विंग कहते वांग जी रुको रुको, वांग जी कहते हाँ क्या हुआ, विंग कहते रुको, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी रोक देता है कार को, और विंग तभी कार से बाहर निकलता है और दौड़ते हुए जाता है और कहते और उस इंसान को सामान उठाने में मदद करते, कहते तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। तभी वो लड़का जस अपने सर को नीचे करता है और कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, ऐसे वो लड़का स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे विंग उसकी स्माइल को देखकर पूरा शॉक, वो लड़का स्माइल करते उसकी आँखें उसके लिप्स उसकी नोज सब कुछ देखकर विंग पूरा शॉक था। विंग का दिल का धड़कन तेज़ हो चुका था उस लड़के को देखकर, विंग को अजीब सी फीलिंग आ रही थी उस लड़के को देखकर। जहाँ पे वो लड़का पूरा सामान लेता है और कहते हैं थैंक यू सो मच, ऐसे कहते वो लड़का जाने लगता है। जहाँ पे विंग बस उस लड़के को देख रहा था, तभी वांग जी आते क्या हुआ क्या तुमने मदद की उसकी, तो विंग कहते हाँ हाँ की, और वांग जी कहते चलो फिर, ऐसे कहते वांग जी आगे जाने लगता है। और विंग भी जाते हुए जस्ट पीछे देख रहा था जहाँ पे वो लड़का कैसे दौड़ते हुए जा रहा था अपने हाथ में कुछ बैग्स लेके। विंग उसे देखता है और कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ उसे देखने के बाद मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ऐसा कहता। तभी वांग जी तो क्या हुआ है विंग बैठो ना, तो विंग कहता है हाँ, और विंग आकर बैठ जाता है। और वांग जी कहते हैं क्या हुआ है तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो, तो विंग कहता है कुछ नहीं मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूँ करके। तो वांग जी कहता है ओ अच्छा छोड़ो चलो, ऐसे कहता है तुम जानते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर मिलते हो तो तुम उसे पूछ लेना ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग लैंड मिशन में फिर से वापस आ चुके थे, और मैडम लैंड और मिस्टर लैंड जो थे ना वो विंग के पास आते हैं, और क्योंकि लैंड वांग जी ने सब कुछ बता दिया था कि क्या क्या हुआ है करके। जहाँ पे मिसेस लैंड विंग को कहती है कि सब कुछ ठीक करेंगे हम लोग, तो टेंशन मत लो। बस विंग जस कहता है कि मुझे सब लोगों का सज़ा दिलानी है, उन लोगों ने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी, मेरे सामने उन लोगों ने उस ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद की थी और मेरी खुद की भी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके किसी और ओमेगा की ज़िंदगी ख़राब हो। पहले तो मैंने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के बारे में सोचा नहीं था, बट मैं फिर से उन पास्ट वाले दरिंदों से फिर से टकराया हूँ, और इस बार मैं उन लोगों को जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, ऐसे विंग बोल रहा था। और दूसरी तरफ देखते हैं उन दरिंदों को, दरिंदों बोल रही हूँ यार, उन गैंगस्टर को देखते हैं हम लोग, गैंगस्टर को देखते हैं। जहाँ पे तभी जो जेल में गया था, जो गैंगस्टर था ना जो जेल में गया था, वो वहाँ पे आकर खड़े होते हो कहता कि बॉस मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वही लड़का है, मैंने सच कहा है बॉस, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है क्या बोल रहे हो तुम, हाँ वो लड़का अभी तक तुम्हें याद करके रखा है, तो कहते बॉस वो ओमेगा सच में वो हम लोगों को ज़रूर, मैंने उसकी आंखों में देखा है बॉस कि वो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मैंने देखा है। तो
वो बॉस सिगरेट को फूंकते हुए कहता है कि अच्छा बट कैसे नहीं छोड़ेगा, उसकी जान तो हमारे काबू में है ना। ऐसे कहते हुए जो है ना उस लड़की को देखते हैं जहाँ पे वो लड़का शॉपिंग बैग लाते कहता है डैड मैं आ चुका हूँ। ऐसे कहता है जहाँ पे वो सिगरेट फूंकने वाला इंसान कहता है कि ओके जाओ सामान को रख दो, तो कहता है कि ठीक है डैड। ऐसे कहता है देन उसके बाद वो लड़का जा चुका था। तभी वो कहता है कि बॉस उसे तो पता तक नहीं इसके बारे में, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि वो इन सारी चीज़ों के लिए मानेगा? हाँ तो वो इंसान कहता है कि मैं एक काम करने वाला हूँ, तुम सोचो क्या काम करने वाला हूँ। तो वो इंसान क्या करने वाले हो बॉस? तो कहता है कि तुम तो जेल से छूटकर मैंने तुम्हें निकाला है, हाँ तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा, ठीक है तुम्हें इस बच्चे के दिमाग में क्या भरना होगा सोच रहे हो? तो कहते क्या? तो वो कहते कि इस बच्चे के दिमाग में तुम्हें बस ये डालना है कि वो इंसान उसका एनिमी है, उसने बस उसकी माँ को मार डाला। हाँ ये सही है ना? तो बॉस अब ये क्या कह रहे हो, वो तो उसका माँ है ना, वो तो उसका ओमेगा डैड है ना, हाँ उसकी ओमेगा माँ है ना वो, तो डैड आप कैसे कह सकते हो? तो कहते कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि उसका बेटा उसे खुद अपने हाथों से मारे, कितना मज़ेदार होगा ना। हाँ उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये उसका बेटा है और ना इसे पता है कि वो उसकी माँ है, तो सही रहेगा ना। क्या उसे हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें? तो कहते बॉस, तो कहते क्या तुम मेरे खिलाफ़ जाना चाहते हो बताओ? तो कहते बॉस बट उसकी आंखों में मैंने सच में देखा था वो हम लोगों को सब लोगों को मार डालेगा। तो वो हंसते हुए कहता कि देख लेंगे जब होगा वो, बट क्या पता उससे पहले उसका बेटा उसे खुद मार डाले तो कितना अच्छा होगा ना, हाँ कितना अच्छा होगा। ऐसे वो हंसते हुए जा रहा था और सिगरेट को फूंकते जा रहा था। तभी हम उस लड़के को देखते, वो लड़का फ्रिज में सामान डालते हुए जो था ना बस एक लंबी सी सांस लेते कहता हाँ मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, ऐसे कहता है। देन वो जल्दी से शावर लेने के लिए जा चुका था एंड वो शावर लेते हुए जस्ट आज जिस इंसान ने उसकी मदद की थी उस इंसान के बारे में सोचते हुए कहता कि क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा था उनसे मिलकर कि कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी उनसे मिलने के बाद, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मुझे उन फीलिंग को इग्नोर करते हुए यहाँ पे भाग कर आना पड़ा, ऐसे कहता है। एंड वो अच्छे से शावर लेता है, शावर लेने के बाद बाहर आकर रेडी हो चुका था। तभी वहाँ पे एक इंसान आकर खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम रेडी हो शिंग? शिंग कहता है यस, ऐसे शिंग कहता है। तभी वो इंसान कहता है कि चलो मेरे साथ। तो शिंग कहते कहाँ? तो कहते कि बॉस ने कहा है तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। क्या? डैड ने कहा है मुझे ट्रेनिंग देने के लिए? तो कहते कि हाँ बट किस चीज़ की? तो कहते कि लोगों कैसे मारा जाता है। तो कहते क्या? तो कहते कि हाँ तुम्हें पता है ना हमारा यही प्रोफेशनल है, तो तुम्हें आगे जाके भी तो ये काम करने होंगे। तो शिंग कहते बट डैड ने कहा था कि मैं ना करूँ फिर भी चलेगा। तभी पीछे से वो इंसान सिगरेट फूंकता है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने ज़रूर कहा था बट मुझे नहीं लगता है कि तुम इस तरह से ज़िंदगी बिता पाओगे, इतने नाजुक हालों तुम्हें ज़िंदगी बिता पाओगे। तुम एक अल्फा हो और अल्फा की तरह तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आज तुम्हें ये लोग स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें पहला मिशन दूंगा। तो क्या डैड? तो कहता कि हाँ पहला मिशन जहाँ पे तुम्हें किसी को मारना होगा, इतना याद रखना, ऐसे वो कहता है। जिस कारण वो इंसान कहता ठीक है डैड मैं ज़रूर करूँगा उस मिशन को, ऐसे वो कहता है, क्योंकि अपने डैड की बात हर कोई मानता है यार। तो अभी शिंग की नज़र में तो यही डैड है ना, तो वो अपने डैड की तो बात मानेगा ही ना शिंग। जिसके बाद जो है ना हमारा शिंग को लेकर वो लोग बाहर आते हैं। देन उसके बाद शिंग से करी ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर चुके थे और ये इंसान ऊपर के फ्लोर पे खड़े होते हुए बाहर देखते हुए कहता कि तुम इतना स्ट्रांग बनाऊंगा ना तुम सबको मारोगे मेरे लिए, तुम मेरा ताइना हाथ बनोगे शिंग, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद तभी एक इंसान कहता है कि वेन रुआन तुम्हें नहीं लगता है तुम उस लड़के के साथ गलत कर रहे हो? तो तभी पीछे देखते हैं जहाँ पे वो इंसान जस्ट स्माइल करते ओ तुम्हें लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ तुमने भी तो ऐसा बहुत कुछ किया है ना, तुम्हारे पास भी तो नाजायज़ बच्चे हैं ना इतने सारे है ना। तो तभी जिन गाओशान कहता है कि तुम ऐसा मुझे मत कहो, मैं अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल करता हूँ, बट वो तुम्हारा खुद का खून होने के बावजूद भी, वो भी तुम्हारा नाजायज़ बच्चा होने के बावजूद भी तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो, हाँ। तो वेन रुआन जस्ट स्माइल करते कहता कि वो बस ना जाए सोला दे क्या करना है उसका, मेरे खुद के बच्चे तो है ना, ऐसे वो कहता है और बाहर देखता है जहाँ पे उस बच्चे को जो शिंग को कितना मारा जा रहा था उसे फाइटिंग करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, कितना ज़्यादा हेवी वेट उठाने के लिए कहा जा रहा था, बट इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वेन रुआन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी नहीं। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना वो अपने दोनों बच्चों को लेने के लिए आ चुका था, हाँ वो अपने दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे लेने के लिए आ चुका था, जहाँ पे विंग उन दोनों बच्चों को देखते हुए जिंगी आई वान बेबी ऐसे कहते हुए विंग उन दोनों को हक करते हैं। देन उसके बाद उन दोनों के फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कैसा लगा तुम दोनों का आज? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे कहते हैं।
देन उसके बाद विंग जो था ना वो उन दोनों को अच्छे से कार में बिठाता है। देन उसके बाद ड्राइवर अंकल से बोलते हैं कि कार चलाइए करके, जिसके बाद ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट कर चुके थे। तभी आईवान एंड चिंगी जो दोनों स्कूल में उन लोगों के साथ किंडर गार्डन्स में क्या क्या हुआ उन लोगों के साथ, वो सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। वो सारी चीज़ें बताते जा रहा था जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते हुए बस स्माइल कर रहा था, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। देन उसके बाद विंग कहता है कि क्या तुम दोनों आइसक्रीम खाना चाहते हो, तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते ठीक है एंड ड्राइवर को कार साइड में रोकने के लिए कहता है। देन उसके बाद विंग कहते हैं तुम दोनों यही बैठे रहो, मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ, ठीक है ऐसे कहता है। देन वो दोनों कहते हैं कि ठीक है मम्मा ऐसे कहते हैं, दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद विंग आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाता है, उन दोनों के लिए अच्छे से आइसक्रीम लेके आता है। आइसक्रीम लाने के बाद पहले उन लोगों के बॉडी के ऊपर जो ना कपड़ा रखता है, एक नैपकिन वगैरह नहीं जिससे वो लोग गिराए ना, विंग ऐसे रखने के बाद उन दोनों को आइसक्रीम खाने के लिए कहते हुए कहता कि मैं आता हूँ, मैं खुद के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो बच्चे कहते कि ठीक है मम्मा ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग आइसक्रीम पार्लर जाता है और आइसक्रीम लेकर जैसे बाहर निकला था ना वो किसी से टकरा जाता है, जिसके कारण सामने वाला इंसान जोर से चिल्लाता आह ऐसे वो चिल्लाता है, जिस कारण विंग जल्दी सामने की तरफ देखता है जहाँ पे एक लड़का नीचे गिरा हुआ था और विंग उसे देखता है जिसके बॉडी पे बहुत सारे निशान थे। विंग उसे आई एम सॉरी ऐसे कहते हैं जो ना विंग उसे डराने में मदद करते। तभी विंग का ध्यान जाता है उस लड़के की ओर, उस लड़के तो विंग ने सुबह देखा था ना और अभी इसकी बॉडी के इतने सारे निशान। विंग कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ आई एम सॉरी ऐसे कहते जो ना वो लड़का भी हमारे विंग को देखता है और आप तो विंग कहता हाँ तुम कि ये क्या हुआ है तुम्हें ऐसे। विंग कहता है कि चलो आओ ऐसे कहते जो विंग उसे बिठाता है और कहते क्या हुआ है तुम्हें, हाँ इतने सारी चोट है, तो कहते कुछ नहीं बस मैं ट्रेनिंग कर रहा था। विंग कहता किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे थे, वो कहते कुछ नहीं ऐसे ही कहते। विंग उसे देखते कहते ओ माय गॉड तुम्हें कितनी सारी चोटें लगी है, दर्द हो रहा है ना रुको तुम रुको यहीं पे ऐसे। विंग कहता है और अपने कार के पास आता है और कार में से ड्राइवर को जो ना हीलिंग बॉक्स बोल रही हूँ यार मेडिसिन का बॉक्स देने के लिए कहता है, जो मेडिसिन किट जो रहते हैं वो देने के लिए कहता है। जिसके बाद विंग उस किट को लेकर बाहर आता है एंड उस लड़के को देखते कहते तुम ठीक हो ना, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। विंग कहता है कि इस तरह से कोई मार भी सकता है क्या भला, हाँ ऐसे। विंग कहता है कितने ज़्यादा वो क्रूअल लोग होंगे, इस तरह की ट्रेनिंग लेना बंद करो, हाँ तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा हार्म पहुँचा रही है, तुम्हारी बॉडी पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है देखो ऐसे। वो कहते हुए विंग जो ना उसके जो चोट थी ना उन्हें हील करना स्टार्ट कर दे, दवाई पट्टी वगैरह जो था ना वो लगाना स्टार्ट कर दे। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट वो इंसान जस्ट विंग को देखते हुए कहता है कि मुझे क्यों इस लड़के को लग रहा था क्यों आखिरकार इनसे इतना अटैचमेंट फील क्यों हो रहा है, और वो जो इतना ज़्यादा घबरा कर पैनिक कर बोल रहे हैं जैसे कि मुझे लग रहा है कि वो मेरे क्लोज़ हैं, हाँ बट नहीं डैड के अलावा मेरे कोई क्लोज नहीं है, कोई भी नहीं है, मेरे पास तो मम्मा भी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसे कहते हुए जो ना वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आगे से ध्यान रखना खुद का, तो कहता है कि ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उसे देखते हुए कहता है कि और तुम्हें इस उम्र में तो कॉलेज में होना चाहिए ना कि इस तरह से, तो वो कहता है कॉलेज, तो विंग कहता है हाँ तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए पढ़ना चाहिए, तो वो लड़का जस्ट कहता है कि थैंक यू। जहाँ पे विंग जस उसे देखता है और कहता है कि हाँ, और विंग कहता है कि ज़्यादा दर्द हो ना ये पिल्स ले लेना, इससे जो है ना तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। और वो विंग उसके हाथों में दे देता है। तभी कार से आवाज़ मम्मा जल्दी आओ ना मम्मा हमारे आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और कहता है यस बेबी मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है। विंग उसको देखते हुए उसके बालों को सहलाते कहता है कि खुद का ध्यान रखना ठीक है, दवाई टाइम से ले लेना ओके एंड बाय बाय ऐसे कहते हुए विंग जा रहा था। तभी वो इंसान आपका नाम क्या है ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो कहते आपका नाम, तो विंग कहता है विंग ऐसे कहता है। तभी कहते विंग ऐसे कहता है, तो वो कहता है कि और तुम्हारा, तो वो कहता है कि शिंग ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उसे देखता है और एक स्माइल करते कहता है कि हाँ हेलो शिंग ऐसे कहता है। जहाँ पे शिंग बस स्माइल करता है और कहता है कि एक मिनट रुकोगे आप, तो विंग उसे देखता है कहता है तो शिंग कहता है कि पता नहीं मुझे आपको देखकर, तो विंग कहता है क्या, तो शिंग डायरेक्टली विंग को हक कर देता है और विंग इसे शॉक था और विंग शॉक था बट विंग उसके उसको टाइटली हक करते हुए कहता है कि क्या हुआ है। तो शिंग जस विंग से दूर होते कुछ नहीं आई एम सॉरी ऐसे कहते शिंग वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे विंग उसे देखते हाँ क्या हुआ ऐसे विंग कहता है। और उसके बाद जो था ना विंग अपने बेबीज के पास आते कहते हैं कि तुम लोगों ने आइसक्रीम फिनिश की, वो कहते हैं कि हाँ, और विंग जो था ना वो नैपकिन वगैरह हटा देता है। देन उसके बाद वो कहता है कि चलिए ऐसे कहता है। देन विंग अपने बच्चों से अच्छे से बातें करता है और उस लड़के के बारे में सोचता है जिस लड़के ने उसे हक किया था, शिंग नाम है ना उसका। विंग मन में सोचता है कि शिंग तुम मेरी तरह क्यों दिखते हो, मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरी तरह दिखते हो करके सिमिलर, ऐसे विंग सोच रहा था। और आईवान एंड जिंगू को देखता है। जिसके बाद विंग घर में पहुंचने के बाद उन दोनों बच्चों को लेकर आ जाता है जहाँ पे मैडम लैंड अपने दोनों बच्चों के साथ खेलती है, बातें करती है, विंग उनको फ्रेश करवाता है, सब कुछ करवाता है। देन उसके बाद विंग जो अपने ऑर्डर्स थे ना उन्हें कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता है।
और वांग जी तो यहाँ से ऑफिस चला जा चुका था। अब वांग जी की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने ऑफिस में था और काम कर रहा था, तभी डिटेक्टिव वहाँ पे आता है और सारी रिपोर्ट्स वांग जी के सामने रख देता है कि वो कैसी गैंग है, क्या करती है, कौन से गैरकानूनी काम करती है, सारी चीज़ें वांग जी के सामने आ चुकी थी। वांग जी कहता है कि इसका जो लीडर है उसके खिलाफ़ कुछ प्रूफ्स मिले हैं, तो कहता है कि लीडर जस्ट कमांड देता है बट कभी प्रूफ उसके खिलाफ मिले ही नहीं है, वो बस कमांड देने का काम करता है और सारे काम अपने इन लोगों से करवाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बट फिर भी वो कमांड देता है, उसके भी तो कुछ प्रूफ होंगे ना, तो कहते हैं हमें एक ही प्रूफ मिला है। तो वांग जी कहते हैं मुझे बताओ। वांग जी उस प्रूफ के बारे में जानकर जस्ट कहता है कि ठीक है और ज़्यादा जितना हो सके उनके खिलाफ प्रूफ जमा करो एंड देन मैं पूरी कमांडोज की टीम को तैयार करना चाहता हूँ, सबको नोटिस भेज दो। तो कहते हैं कि बॉस बट आपको नहीं लगता है आपकी इतनी छोटी सी उम्र में कोई आपको ये सब देना चाहेगा? जहाँ पे वांग जी बस उसे देखते कहते हैं कि ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी, हाँ मुझे क्यों नहीं देंगे भला, मैं लैन हूँ, लैन को इन लोगों को सब कुछ देना ही होगा, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कि जिसके बाद वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस उन फोटोज़ को देखता है, उन सारे गैंगस्टर को देखता है और उनका जो हेड था ना उसे देखते हुए कहता है कि तुम भी थे ना, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम वांग जी उन फोटोज़ को जो है ना लेने के बाद जो था ना वो घर की ओर आ चुका था। घर में आने के बाद वो विंग के कमरे में था, पहले तो अपने बच्चों को वो मिल चुका था बट विंग के कमरे में था। विंग जहाँ पे विंग जो था ना वो अपना काम कर रहा था, तो वांग जी कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग कहता है हाँ बोलो ना। तो वांग जी कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते हैं उन गैंगस्टर की फ़ोटो तुम इनमें से पहचान के मुझे बता सकते हो? विंग जो काम कर रहा था ना वो रुक जाता है और विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं मुझे बस ये जानना है कि, विंग कहते हैं क्या? तो वांग जी कहते हैं मुझे उन गैंगस्टर के बारे में जानना है वो कौन थे, इसलिए मैंने उन गैंगस्टर की फ़ोटो लाई है, तुम इनमें से पहचान कर बता सकते हो? विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद वो लोग बेड पर आकर बैठते हैं, जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे वहाँ पर 50 फोटो लगा देता है, जिसके बाद विंग उन फोटोज़ को देख रहा था और विंग फोटोज़ को देखते हुए उसकी हर बार जो विंग के लिए जो खतरनाक थे, जिन लोगों ने विंग के साथ ये सब किया था ना, उन लोगों के ऊपर आकर विंग की नज़रें पूरी तरह से टिक चुकी थी, क्योंकि विंग के साथ 7-8 लोगों ने किया था इसके कारण, ठीक है। तो विंग वहाँ से उन फोटोज़ को क्लिक करता है एंड वहाँ पे देखते हुए ये था वो, और विंग चिल्लाते ये था ये कमीना ऐसे कहते जो ना विंग सारे उन लोगों की फ़ोटोज़ दे देता है वांग जी के हाथ में और वांग जी देखता है। और वहाँ पर वेन रुहान का भी ये था जो था ना, वेंडवान का भी फोटो था। जहाँ पे वांग जी इसे देखने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा घूर के गुस्से में बहुत ज़्यादा ही कहता है कि ठीक है। जहाँ पे विंग के आंखों में आंसू थे, जहाँ पे वांग जी कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें रुला दिया, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें याद दिलाना नहीं चाहिए था। विंग कहता है कि नहीं वांग जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो दर्द मेरे अंदर भरा हुआ है ना, जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेता तब तक मैं खुद को शांत नहीं करा सकता, बिल्कुल भी नहीं। आज तक मैं भागता आया था इन सारी चीज़ों से बट अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग थोड़ा सा शांत हो जाता है, देन वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि अब तो मुझे ऐसे ही देखोगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है कि क्योंकि मैं विंग को ऐसे ज़िंदगी भर देखना चाहता हूँ। विंग कहता है कि अच्छा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा भला? तो वांग जी कहता है ना मोम डैड। तो वांग जी कहता है कि वैसे विंग हम चाहे तो और एक बच्चा कर सकते हैं। विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता है कि हाँ, हम चाहे तो एक और बच्चा कर सकते हैं। विंग कहता है तुम भी ना वांग जी, तुम पागल हो, मुझे नहीं करना है। तो वांग जी कहते हैं क्यों, क्या तुम्हें आपको एक और बच्चा नहीं चाहिए? विंग कहता है इन दोनों छोटे छोटे शैतानों को संभालते संभालते मैं थक जाता हूँ, हाँ, और तुम और बच्चे चाहिए तुमको? तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे चाहिए। विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहते हैं बट क्यों? तो विंग कहता है ज़रूरी नहीं है अभी। तो वांग जी कहते हैं बट क्यों विंग, हमें हमारे और बच्चे होने तो चाहिए ना, और दो। विंग कहता है चुप रहो, हमारे दो और तुम दो, बस इतना ही काफ़ी है। जहाँ पे वांग जी बस हंसते हुए कहते हैं कि ओ रियली? तो विंग कहता है कि हाँ रियली, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट उसे देखते कहते हैं ठीक है, अगर मेरा विंग नहीं चाहता है तो ठीक है, मैं उसकी बातों को मानूंगा, कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही जो है ना हमारा विंग कहता है, जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को आकर हक करते हुए कहता है कि देन मैं अभी अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो बता देना। विंग बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ जाओ, जिसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी जाने के बाद विंग अपना काम कर रहा था बट विंग का फ़ोन बजता है, जिसके कारण विंग अपने फ़ोन को देखता है, जो अननोन नंबर था। विंग कहता है ये किसका नंबर है, ऐसे कहता है, और विंग फ़ोन को उठाता है और फ़ोन को उठाने के बाद कहता है हेलो। तभी साइड से वॉइस आती है, हे विभूषण, क्या तुम मुझे भूल गए हो? हाँ।
अच्छा पेविंग, इस वॉइस को सुनने के बाद वो जस्ट स्टिप हो जाता है। तभी वहाँ से वॉइस आती है और कहती है, इतने सालों तक तुम्हें हमने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्या तुम्हें नहीं लगता है इसका तुम्हें हमें कुछ फल देना चाहिए? हाँ, वहाँ पे रईसों के घर में जाकर बसे हुए हो तो तुम इतने आराम से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो और हम लोग यहाँ पे लावारिसों की तरह घूमते जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें हमें इसके लिए कंपनसेट करना होगा, हमारे साथ इतने सालों तक रहने के कारण तुम्हें इसके लिए हमें कंपनसेट करना होगा। जहाँ पे मैडम क्यों, तो मैडम कहते हाँ, मुझे लगा था तुम मुझे भूल गए हो, बट अच्छा हुआ कि तुमने अपने आंट को अभी तक भूले नहीं हो। तो ऐसे वो मैडम यू कहती है, जहाँ पे विंग कहता आपने मुझे कॉल क्यों किया? मैडम कहते क्यों कॉल किया, मतलब इतनी रईसों वाली ज़िंदगी बिता रहे हो और तुम्हें नहीं लगता इतने सालों का जो हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था उसका तुम्हें कंफर्टेबल, अरे यार इसके लिए तुम्हें हमें कुछ पैसे चार्ज करने चाहिए करके, हाँ, और वहाँ पर जाके अपनी ज़िंदगी को आराम से बिता रहे हो, हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या? विंग कहता है कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो और हम लोगों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या आपको जियांग चांग और यान ली ने नहीं बताया है? तो मैडम कहते हाँ, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारी तरफ से ख़त्म हो सकता है बट हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने सालों तक मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था मुझे उसके तो पैसे चाहिए। हाँ, अभी तो तुम इतने रईस अल्फा के साथ रह रहे हो, हाँ, बस उसके बेड पे सेटिस्फाइड करने के लिए क्या? हाँ, और दो दो बच्चे, क्या बात है? जहाँ पे विंग कहता है कि चुप रही है, तो कहता है कि क्यों चुप रहूँ मैं? हाँ, क्या तुम्हें शर्म भी है? उन लोगों को अगर पता चलेगा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था तो? विंग कहता है आपको जो करना है वो करिए। वो कहते ओ, तो विंग कहता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फैमिली को मैंने सब कुछ बता कर रखा है और आप जैसे नहीं हूँ मैं। जब मुझे ज़रूरत थी तब तो आप मेरे सामने नहीं आए और जब मेरे पास इतने सारे पैसे आ चुके हैं, मेरा अल्फा इतना बड़ा फैमिली का मेंबर है, तो आपके मुंह में लालच आ रहा है और मुझे इसलिए आपने इतने सालों के बाद कॉल किया और मुझे सीधा डायरेक्टली आप पैसों की डिमांड कर रहे हो, आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैडम यू कहते कि हाँ, समझ तो तुम गए हो, इतने भी बुद्धू नहीं हो, है ना? तो विंग कहता है कि हाँ, और आप कुछ भी करिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्लैकमेल करिए या कुछ भी करिए मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे मैडम यू कहते ओ रियली? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे कहता है, जहाँ पे मैडम यू कहते कि अच्छा, क्या तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? तो विंग कहता है मैं किस बात के पैसे दूँ? मैडम यू कहते कि मैं तुम्हारी सच्चाई उन लोगों को बता दूंगा। विंग कहता है आपको जो करना है करिए, क्योंकि मैं बता दिया ना, मेरी फैमिली को सब कुछ पता है, एंड देन आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। ऐसे कहते विंग फ़ोन को कट कर देता है और विंग फ़ोन को देखते कहता है, जब इनको पता चला कि मेरे पास पैसे आ चुकी है और इनको पता चला कि मैं किस पोजिशन पर हूँ, तो इसलिए इन लोगों ने मुझसे पैसे मांगने के लिए ये सब किया, और यान ली और जियांग चांग तुम दोनों ने ये बताया है ना? ऐसे विंग सोच रहा था और विंग सोचते हुए मन में कहता है कि नहीं, और वैसे भी मुझे डरने की किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तो इन लोगों को पता है। हाँ, सब कुछ पता है, इसलिए विंग कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, अगर इनको जो बताना है बताने दो भाई, क्योंकि विंग की सारी चीज़ें इन लोगों को पहले से पता है, विंग के साथ क्या हुआ है इन लोगों को सब कुछ पहले से पता है, तो विंग को डरने की क्या ज़रूरत है, किस बात के लिए वो ब्लैकमेल करेंगी वो बुढ़िया, है ना? विंग के हिसाब से यही था। विंग अपना काम फिनिश होने के बाद जो था ना वो आ जाता है अपने डाइनिंग टेबल पे और सारे फैमिली मिलकर जो थे ना वो डिनर को करते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद विंग अपने बच्चों को अच्छे से, जो जिंगी का कमरा था ना वहीं पे आयुआन एंड जिंगी दोनों सो जाते हैं, जिसके बाद विंग अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी वांग जी विंग के हाथ को विंग कहता है हुँ? तो वांग जी कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है हाँ बोलो। तो वांग जी कहते मैं आऊँ? तो विंग कहते हैं अब मुझे पूछ क्यों रहे हो, ऐसे तो तुम आ ही जाते हो। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है, एंड वांग जी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो ना वांग जी दरवाजे को बंद करता है और डायरेक्टली विंग को बैक से हक करता है और कहता है आई लव यू विंग। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि हमेशा तो तुम माय ओमेगा कहते रहते हो, आज विंग क्यों कह रहे हो बताओगे? तो वांग जी कहते हैं कि क्योंकि मेरा ओमेगा जब मुझे पेट पे ऐसे बोलता है ना, माय अल्फा, यस अल्फा, ऐसे बोलता है ना, तब मुझे बहुत मज़ा आता है। तो विंग कहता है ओ रियली? तो वांग जी कहते हैं हाँ, एंड देन तब मैं अपने ओमेगा को माय ओमेगा ऐसे कहूँगा ना, तब मुझे और मज़ा आएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे मुँह से वो वॉइस सुनने का मुझे मौका मिलेगा तो कितना अच्छा होगा ना। विंग कहता है क्या? तभी वांग जी जस्ट विंग को टर्न करता है, देन विंग को सीधा बेड के ऊपर धक्का दे देता है, जिसके कारण विंग बेड पर गिर चुका था और विंग वांग जी को देखते, वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कि आपसे प्यार। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था,
और वांग जी तभी विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मर्ज करता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है रुको रुको, बट वांग जी नहीं रुकता और विंग के लिप्स को टाइटली किस करना स्टार्ट कर चुका था। और कुछ टाइम तक किस करने के बाद हमारा वांग जी विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करता है। देन तभी वांग जी के सामने जो विंग के नेक पे उसने बाइट किया था ना, जो बाइट रहता है ना ओमेगा अल्फा वाला, वो बाइट किया था ना, वो बाइट का मार का निशान उसके सामने आ चुका था। और वांग जी उस निशान को देखते हुए कहते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना आपके शोल्डर के ऊपर, है ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ काश तुम्हारे भी शोल्डर के ऊपर मेरा बाइट का निशान होता तो कितना प्यारा लगता ना। तो वांग जी कहता ओह हाँ इस बारे में तो मैं भूल ही चुका था, ऑब्वियसली आपको भी तो करना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं किया। तो विंग हाँ मैं तो ऐसे ही बोल रहा था वांग जी। वांग जी कहता कि आप भी तो कर सकते थे ना। तो विंग कहता कि क्या मैं, तो वांग जी कहता कि हाँ इससे हम लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगा, ऐसे मैंने सुना है किताबों में, मैंने पढ़ा है कि जब अल्फा और ओमेगा एक दूसरे को मार्क करते हैं तो उन लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रांग हो जाता है करके। तो विंग ओ हाँ तो विंग कहता कि तो वांग जी कहते तो आप मुझे मार्क करना आज। तो विंग मार्क तो कहता कि हाँ ऐसा कहता है जिसके कारण विंग जिसके नहीं कोई ज़रूरत नहीं मैं तुम्हें। वांग जी कहते कि नहीं मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मार्क करो, मैं ओमेगा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बन जाओ हमेशा के लिए, मैं तुम्हारे सारे इमोशन को फील करना चाहता हूँ, सब कुछ फील करना चाहता हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें। विंग जिस उसे देखता है और कहता है कि सच में, तो वांग जी कहता है कि हाँ। तभी विंग अब अपने मुंह को ऊपर की ओर करता है और वांग जी के लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है। देन वांग जी को वो किस करना स्टार्ट कर चुका था एंड वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुके थे। धीरे धीरे हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के बॉडी से धीरे धीरे अपने कपड़ों विंग के कपड़ों को उतार चुका था एंड विंग की जो हॉट सी बॉडी जस्ट वांग जी के सामने थी। और वांग जी उन सारे बॉडी हर पार्ट को देखने के बाद वांग जी बस एक स्माइल करता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अडोरेबल लग रहा था। विंग की बॉडी यहाँ तक कि उसकी चेस्ट एरिया, उसका बेली एरिया, उसके थाइज, सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। एंड देन हमारा वांग जी भी अपने कपड़ों को निकाल चुका था। देन वांग जी विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो विंग को किस करते हुए जो ना विंग के बॉडी को पूरा सक करना बाइट करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग के थाइस को ओपन करता है। थाइस को ओपन करने के बाद विंग को प्रिपेयर करता है। एंड देन उसके बाद आखिरकार वांग जी विंग के अंदर एंटर हो चुका था एंड उस कमरे में बस विंग की मॉर्निंग की वॉइस गूंज रही थी। अच्छा हुआ कि ये साउंड प्रूफ था रूम, इसलिए यहाँ की इस रूम से कोई भी वॉइस बाहर नहीं जा रही थी। और वांग जी और लानसांग का जन यहाँ पे हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। और हम बाहर की तरफ देखते हैं, बारिश हो रही है और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे बारिश में एक लड़का जस्ट खड़ा हुआ है। एंड देन उसके दोनों हाथों के ऊपर जो ना एक वेट जो रहता है ना वेट दिया गया है और वो लड़का जस्ट खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके डैड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ इतना ज़्यादा हैवी वेट, वो कितने टाइम से खड़ा हुआ है यहाँ पे, 4 घंटों से वो इस तरह से इस पोजिशन में खड़ा हुआ है और अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, बट फिर भी उसके डैड उसके ऊपर रहम क्यों नहीं दिखा रहे, ऐसा क्यों कर रहे। उसके डैड तो उसे बहुत प्यार करते हैं ना, उन्होंने कहा है कि मैं उनका स्ट्रांग बेटा हूँ करके, बट ऐसा क्यों, उसके भाइयों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। उसके 3 भाई है, हाँ शीन के 3 भाई हैं। शीन उन 3 भाइयों के बारे में सोचते हुए कहता है कि हाँ वेन चाओ वेन जुलियो वेन रुहा वेन वेन शीन, ये 3 भाई है, बट उन लोगों के साथ ये सब नहीं होता है कभी भी। वो तो ठाट बाट से यहाँ वहाँ बाहर घूम सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बट शीन के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। और ऊपर से मेरा नाम ऐसा अलग क्यों है, उनके सामने वेन लगाया जाता है पर मेरे नाम के सामने क्यों नहीं, मुझे बचपन से शीन ही क्यों बुलाया जाता है, ऐसा क्यों है। ऐसे जो ना शीन सोच रहा था और उसके आँखों में आंसू थे कि क्यों ऐसा क्यों है। तभी शीन को याद आता है उस दवाई के बारे में, अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द होना तो तुम इस दवाई को खा सकते हो। तभी शीन जिस जो था ना उस वेट को जस्ट नीचे रखता है, देन अपने पॉकेट्स की उस दवाई को निकालता है, उस दवाई को खा देता है। खाने के बाद गिटक जाता है और कहता है कि हाँ अच्छा लगेगा, ऐसे कहता है। देन फिर से उन ओजे को उठाता है, ओजे को उठाने के बाद कहता है कि थैंक यू सो मच विंग, तुमने मेरी मदद की थी इसलिए थैंक यू, मैं भी कभी तुम्हें पे बैक करूँगा। ऐसे जो है ना शीन सोच रहा था और उस वेट को उठाए हुए था। दूसरी तरफ हमारे वांग जी और विंग का यहाँ पे हॉट सा सेक्शन चल रहा था। तीसरी तरफ हम देखते हैं मैडम यू जिस घर के अंदर बैठी हुई थी और कहती कि अब क्या करूँ मैं, हाँ मैं उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसा भी नहीं निकाल पा रही हूँ, क्या करूँ, किस तरह से उसे ब्लैकमेल करूँ, समझ भी नहीं आ रहा किस तरह से ब्लैकमेल करूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चे सिंपथी लेकर बैठे हुए कि उनको बच्चा नहीं हो रहा, हाँ उनकी कहाँ से गलती हो सकती है, इसमें तो उनकी कहाँ गलती थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा, ये सोच रहे ये दोनों के दोनों पागल गई के, काश मेरे पास एक अल्फा बेटा होता तो कितना ज़्यादा अच्छा था ना, दोनों के दोनों ओमेगा बनकर बैठे हुए। ऐसे मैडम यू कह रही थी और कहते कि मुझे विंग को ब्लैकमेल करके उससे पैसा निकालना ही होगा, हाँ बहुत सारा पैसा, पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपने बिजनेस को फिर से स्ट्रांगली खड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ऐसे मैडम यू कहते हुए कहते कि हाँ ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ऐसे मैडम यू कह रही थी। एंड देन आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ठोकना है, कमेंट को भी ठोकना है और सब्सक्राइब भी करना है गाइस, ठीक है। और अब आगे देखेंगे हम लोग मैडम यू कौन सा कमाल करती है और शिंग क्या शिंग को जब उसका मिशन मिलेगा, वो था हमारी विंग को मारने वाला, तो शिंग क्या मार पाएगा, क्योंकि शिंग तो विंग से मिल चुका है ना। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिएगा। और विंग को कब पता चलेगा कि विंग का तो बेटा जिंदा है, देन पता चलने के बाद विंग का क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या होगा, अगर जानना है तो बने रहिएगा मेरे साथ, ओके। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का पार्ट पसंद आया होगा। देन बाय बाय।